हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी देखिए सितंबर का भी थर्ड वीक स्टार्ट होने वाला है और अभी ये हाई टाइम है कि इस टाइम जो सीजनल प्लांट्स हैं वो लगा दिए जाए, जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं विंटर्स में, जो फ्लावर्स होते हैं वो लगा दिए जाए। और तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो प्लांट्स बताऊँगी कि वो कौन से हैं और उनको लगाने के लिए आपको पॉटिंग मीडिया कौन सा लेना चाहिए और उसको लगाने में आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, विंटर्स जो है फ्लावर्स ही फ्लावर्स का सीज़न है और देखिए अभी आप वर्बीना के सीड्स लगा देते हैं तो इनकी जो हाइट होती है ये तकरीबन होते हैं 6-7-8 इंच तक के, और ये हैंगिंग बास्केट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे ऊपर से ट्रेल करती हुई इनकी फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं और फ्लावर्स इनके बंचेस में आते हैं, कलर्स इनके कई होते हैं। तो अगर आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो इनकी जो आप इनके जो सीड्स लगाते हैं उनको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब अगर आप प्लांट्स लगा रहे हैं और उसके बाद आपको लग रहा है कि प्लांट में फंगस हो गई या कुछ हो गई तो आप उसकी कटिंग लगा दीजिए कहीं और काट के, तो बहुत जल्दी वो भी रीडेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये है इसका फ़ायदा। और इसके फूल काफ़ी लंबे तक चलते हैं, मतलब मई जून तक चलते हैं इसके फूल अगर आप थोड़ा भी संभाल के रखते हैं। और सॉइल इनके सबकी, जितने भी प्लांट मैं बता रही हूँ सबकी, वेल ड्रेन्ड रिच सॉइल्स होना चाहिए। रिच सॉइल से मतलब है कि जो आप उसमें जैसे 30% उसमें आप गार्डन सॉइल डालेंगे और 30% उसमें सैंड डालेंगे और 40% उसमें आप कंपोस्ट डालिए, क्योंकि इन प्लांट्स की लाइफ काफ़ी कम होती है तो इसके लिए सॉइल तो आपको रिच बनाना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप जो पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं वो आप सैंड का रखिए या कोकोपीट। कोकोपीट इस टाइम बेस्ट होता है क्योंकि कोकोपीट जो होता है पानी भी रिटेन करता है और साथ में बहुत जल्दी ड्रेन आउट भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें ये डेलिया। डेलिया के बिना तो विंटर्स के प्लांट्स से दूर ही हैं। तो डेलिया इसमें डबल वाला भी आता है और सिंगल पेटल का भी। तो जो डबल वाला आता है उसके तो आपको कटिंग्स लेना पड़ेंगी नर्सरी से बनी बनाई, या उसके जो ट्यूबर्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं, उनसे भी आप लगा सकते हैं। और जो सिंगल पेटल होते हैं वो आप खुद लगा सकते हैं। सिंगल पेटल भी काफ़ी लंबे टाइम चलते हैं और फूल इसमें बहुत सारे आते हैं। जैसे डबल पेटल वाले में तो मतलब गिनती के फूल आते हैं ना, एक बार में एक या दो फूल निकलेंगे, तीन निकलेंगे मैक्सिमम। इसमें तो अच्छे भर के फूल आते हैं सिंगल पेटल वाले में। नेक्स्ट आता है इसमें हॉली हॉक, और ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और इनकी फूलों की ऐसी छड़ियाँ भरी हुई सी होती हैं। और ये जो होते हैं इनकी हाइट करीब 1.5-2 मीटर तक की ऊँची चली जाती है। फूल सनलाइट में रखने वाले होते हैं और इनके फूल भी काफ़ी लंबे टाइम तक आते हैं। तो जैसे आप उसके जो बीज बन जाते हैं, बीज भी आप इनके कलेक्ट कर सकते हैं और अगले साल उन्हीं से आप दोबारा रीग्रो भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है साल्विया। साल्विया लो लाइट में भी चल जाता है और फुल सनलाइट में भी। तो ये आपके लो लाइट में चलने वाला है, इसमें कलर्स कई आते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ रेड का है, कलर्स इसमें कई होते हैं, येलो, वाइट, पिंक, पीच और पर्पल कलर भी होता है। तो पर ये काफ़ी रेयर होते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। रेड वाला बड़ा पॉपुलर है, बड़ी आसानी से मिल जाता है और बहुत अच्छी, मतलब जिन घरों में धूप कम आती है उनके लिए तो ये बेस्ट प्लांट है। फूल की ऐसी ही स्पाइक्स इसमें बड़ी बड़ी आती हैं और इसकी हाइट लगभग होती है, समझिए आप, ये 7-8 इंच का भी होता है, झाड़ी नुमा भी होता है। मतलब दो तरह के इसमें आते हैं, एक डॉर्फ वेराइटी के, एक हाइट वेराइटी के। तो आपको जो मिलता है वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिसेंथेमम यानी गुलदाउदी। इसकी सीड से भी लगा जाते हैं, जो छोटी छोटी वैरायटी के प्लांट्स होते हैं वो सीड से लग जाते हैं। बड़ी वाली के भी आते हैं लेकिन मिलते मुश्किल से हैं। तो और बाकी तो आप कटिंग मार्केट से लेके आप लगा ही सकते हैं। इस टाइम आपको पौधे मिल जाएंगे करीब 30-35 रुपये में, अच्छा 6-7 इंच का हाइट का पौधा, तो आप वो लेके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये फ्लॉक्स। इसमें भी ऐसी इसकी स्पाइक्स ऐसी भरी भरी निकलती हैं फूलों की, मल्टी कलर्ड होते हैं और ये भी फुल सनलाइट में बहुत इजीली लग जाते हैं। आप पॉट में भी लगा सकते हैं या ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और इनकी हाइट जो होती है फ्लॉक्स की हाइट, ये लगभग हो जाते हैं 7-8 इंच की हाइट तक के ऊंचे हो जाते हैं। और ये पॉट्स में रखने के लिए या लेआउट में कलर भरने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट है ये डेजी। डेजी में भी बहुत फूल आते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। तो डेजी के जो फूल होते हैं छोटे छोटे से होते हैं और काफ़ी बंच में निकलते हैं। इसके जो प्लांट की हाइट होती है 5-6 इंच की हाइट होती है। तो छोटे छोटे गमलों में जो मतलब छोटी हाइट के गमले होते हैं ना, 4-5 इंच के गमले, उनमें आप लगा सकते हैं। और इनको जब भी लगाएंगे आप बंच में लगाइए 3-4 इकट्ठे, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है ये स्टॉक। तो इसमें भी ऐसी स्पाइक्स ही निकलती हैं। स्टॉक की जो हाइट हो जाती है करीब 1 फीट 14-15 इंच तक की इनकी हाइट चली जाती है। और मल्टी कलर होते हैं ये
और ये भी फुल सनलाइट में चलने वाले पौधे हैं, इनको भी आप ज़मीन में या पॉट में दोनों तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये जेरेनियम। जेरेनियम दो तरह का आता है, तो एक तो गमले में लगाने वाला और एक हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला। हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला जो होता है वो ऊपर से लटकता रहता है, तो वो ट्रेल करता हुआ बड़ा सुंदर लगता है। और आप इसको, अगर आपको एक दो पौधे मिल जाते हैं, आप इनको कटिंग से भी रीग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जेरेनियम भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जिसके फूल भी आप काफ़ी लंबे टाइम तक ले सकते हैं। दूसरी बात यह, अगर आप इनको बचा के रखते हैं तो ये प्लांट आपके अगले साल भी काम आ सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अभी मैं नाम लेने वाली हूँ, और आप उनको बहुत इजीली लगा सकते हैं। हाइब्रिड विंग का बहुत अच्छी लगती है इस टाइम, और काफ़ी अच्छे फूल आते हैं उसमें। पिटूनिया के बिना तो विंटर्स ही अधूरी रह जाती है, तो पिटूनिया बहुत अच्छी इसमें आपके पास ऑप्शन है। लिलीज के अभी बल्ब वाले आपको बताऊंगी, तो वो बल्ब वाले अगले वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से बल्ब आपको अभी लगा लेने चाहिए। एंटी राइनम लगा सकते हैं आप इस टाइम, और कैलेंडुला। कैलेंडुला येलो कलर का ब्राइट फ्लावर होता है, और हाइट उसकी करीब 1-1.5 फीट तक चली जाती है। आप पॉट में भी लगा सकते हैं, ज़मीन पे भी, लेकिन आपको सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं। साथ में बगुना होता है इसमें, जिसको बॉबीना भी बोलते हैं। पेंजी, सेलोसिया की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं इस टाइम। पेंजी के बहुत अच्छे कलर्स आते हैं। डॉग फ्लावर बहुत अच्छा होता है। पिटूनिया की दो तरह की वेराइटीज़ होती हैं, एक तो सिंगल पेटल वाली होती है और एक हाइब्रिड वाली होती है, जो जिसमें मल्टी पेटल होते हैं। और इसके साथ इसमें एक और वेराइटी होती है, जिसमें एक तो प्लेन कलर का फ्लावर आता है और एक और होता है जिसमें स्टार जैसा होता है, मतलब पिंक कलर पे या ब्राउन कलर पे या पर्पल कलर पे उस पर लाइन्स पड़ी होती हैं वाइट, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स। और इसके साथ मैंने आपको गुलाब, गेंदे का तो नाम ही नहीं लिया, गेंदा, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की कई वेराइटीज़ आती हैं इसमें, जाफरी भी होती है लाल फूल वाली छोटी छोटी हाइट की, और बड़े गेंदे वाले भी होती हैं हाइब्रिड वाले, और बड़े बड़े गेंदे के फूल होते हैं। तो विंटर्स तो आपकी मतलब मनपसंद मौसम है फूल लगाने के लिए, तो फूल लगाने। और दूसरी बात यह कि इनको लगाने के लिए आप पॉट की ही रास्ता मत देखिए, इनको लगाने के लिए आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। बॉटल में भी लगा सकते हैं, कोई कंटेनर पड़ा है उसमें भी लगा सकते हैं। भाई प्लांट को चाहिए क्या, सिर्फ मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और धूप चाहिए, तो वो आप उसे किसी भी जगह दे सकते हैं। पॉलीथीन बैग में भी लगा सकते हैं, ब्लैक कलर के पॉलीथीन बैग जो आते हैं उसमें, नर्सरी बैग्स जो होते हैं उसमें भी आप खूब अच्छे प्लांट लगा सकते हैं। या आपके घर में दूध के पैकेट होते हैं उनमें आप प्लांट्स लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपके बड़े मोटे प्लास्टिक वाले होते हैं, जैसे सर्फ के या डिटॉल वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं, उनमें भी आप बहुत अच्छे से प्लांट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे विंटर सीड्स के बारे में आपको वीडियो बनाया। एक वीडियो आपको मैं बल्ब वाले प्लांट्स हो उनके लिए भी बना दूंगी, और आप बताइएगा मुझे आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब के लिए बाय बाय।